hello students welcome to computer class today we will read chapter number 9 logo the name of chapter is very short logo so key concepts main points these main points we are going to read in chapter how to start working in logo components of logo window basic logo commands okay so in chapter

आपको भाषा के साथ लैंग्वेज के साथ प्रकट करते हैं एक्सप्रेस करते हैं आ लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज होती है हमारी भाषा वो बातचीत करने का साधन है मतलब हम अपनी बात को लैंग्वेज के जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनके माध्यम से उन उनकी सहायता से ही अपने बात को दूसरे को समझा सकते हैं सो वी एक्स एक्सप्रेस अवर सेल्फ विद लैंग्वेज हम अपने आप को लैंग्वेज की लैंग्वेज के साथ प्रकट करते हैं अ लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज हमारी बातचीत का एक साधन है अ कंप्यूटर डज नाट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज कंप्यूटर भाषा को नहीं समझता है दैट वी स्पीक जो हम बोलते हैं सो so सिंपल है कि कंप्यूटर हम जो लैंग्वेज बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश उसको नहीं समझता है इट ओनली अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज यह केवल मशीन की भाषा को समझता है देयर आर अ नंबर ऑफ लैंग्वेज दैट वी यूज टू वर्क ऑन इट यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते समय करते हैं सो so, ये अलग अलग डिफ़रेंट लैंग्वेज़ कौन सी हैं सम ऑफ दीज लैंग्वेज़ आर इनमें से कुछ लैंग्वेजेस है, हैं कुछ भाषाएँ हैं कंप्यूटर की सी सी प्लस प्लस बेसिक बी एस आई सी लोगो एटसेट्रा ये आपको फोर लैंग्वेज़ के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनका प्रयोग हम कंप्यूटर के ऊपर वर्क करते समय करते हैं सो so, कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है जिसको कोडिंग या कंप्यूटर की लैंग्वेज बोलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं जिनके नाम हैं सी सी प्लस प्लस बेसिक एंड लोगो सो इन दिस लेसन इस लेसन में हम वी विल लर्न अबाउट लोगो लैंग्वेज इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं लोगो लैंग्वेज के बारे में लोगो स्टैंड फॉर लोगो वर्ड का मीनिंग है या लोगो वर्ड की फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड मतलब लॉजिक मीन्स रूल ओरिएियंट मीन्स ओरिएंटेड वर्ड के डिफरेंट मीनिंग होते हैं सो प्लेस पोजीशन डायरेक्शन दिशा सो हेयर वी कैन अंडरस्टैंड लॉजिक ओरिएंटेड रूल बेस्ड या रूल डायरेक्टेड रूल के अकॉर्डिंग या रूल की दिशा में ग्राफिक ओरिएंटेड मन ग्राफिक होता है विजुअल दिखाई देने वाला मतलब विजुअल ओरिएंटेड सो जो लॉजिक के अकॉर्डिंग होता है और विजुअल के अकॉर्डिंग होता है ऐसी लैंग्वेज है लोगो ठीक है इट इज़ यूज टू राइट टेक्स्ट मेक ड्राइंग्स एंड डू सिंपल कैलकुलेशंस इस लैंग्वेज का प्रयोग इसका प्रयोग टेक्स्ट को टाइप करने के लिए किया जाता है ड्रॉइंग्स बनाने के लिए किया जाता है एंड मैथ्स की सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है लोगो वॉज डेवलप्ड बाई सीमोर पेपर ऑफ़ यू लोगो लोगों की खोज या लोगों को बनाया किसने यू के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने लोगो इज़ एन इजी एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज डेवलप्ड स्पेशली फॉर स्कूल चिल्ड्रन लोगो एक बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग भाषा है जिसकी ख़ास तौर पर खोज की गई थी स्कूल के बच्चों के लिए इट इज़ वन ऑफ द ईजीस्ट कम्प्यूटर लैंग्वेज लैंग्वेज़ यह कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती हैं जो जिनके एग्ज़ाम्पल हमने अभी रीड किए उनमें से सबसे आसान है कंप्यूटर की लैंग्वेज में से यह सबसे आसान है लोगो जो लैंग्वेज है ये सो हाउ टू स्टार्ट वर्किंग इन लोगो लोगो में वर्क कैसे शुरू करते हैं टू स्टार्ट लोगो फॉलो द गिवन स्टेप्स लोगों को शुरू करने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए प्लेस द माउस ऑन द लोगो आइकन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड डबल क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन प्लेस द माउस ऑन द लोगो आइकन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो लोगो आइकन आपको दिखाई देगा उस पर आपको माउस को पुट करना है प्लेस मतलब उसके ऊपर ले जाना है पर रखना है पुट करना है माउस को एंड और उसके बाद और डबल क्लिक करना है माउस के लेफ्ट बटन को ठीक है ये आपका वन मेथड है और प्लेस द माउस ऑन द टाइप हेयर टू सर्च बॉक्स जो आपका टास्क बार में लेफ्ट साइड डाउन कॉर्नर में होता है आपका सर्च बॉक्स उसको उसको बोलते हैं टाइप हेयर टू सर्च बॉक्स उसका कंप्लीट नेम है उसमें आपको माउस को पुट करना है लेकर जाना है एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करना है व्हेन यू सी अ ब्लिंकिंग लाइन जब आप एक ब्लिंकिंग लाइन को देखोगे टाइप लोगो आपको लोगो वर्ड टाइप करना है एंड प्रेस एंटर की और एंटर की को प्रेस कर देना है ये आ, आ, आप आपके टू वेज़ हैं लोगो लैंग्वेज की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के लिए ठीक है आपको दोनों में से एक मेथड यूज़ करना है उससे आपका लोगो स्टार्ट हो जाएगा अब है कंपोनेंट्स ऑफ लोगो विंडो जो आपकी लोगो की स्क्रीन ओपन होगी उसके पार्ट्स कॉम्पोनेंट यानी कि पार्ट्स द लोगो विंडो इज़ मेनली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स जो आपकी लोगो विंडो है वो दो भागों में बांटी गई है मेन स्क्रीन एक आपकी मुख्य या मेन स्क्रीन होती है एंड कमांडर विंडो और दूसरी विंडो का नाम होता है कमांडर विंडो सो गो टू द नेक्स्ट पेज नंबर एटी ओन नेक्स्ट पेज नंबर वी हैव हैडिंग मेन स्क्रीन मेन स्क्रीन इज आल्सो नॉन एज ग्राफिक स्क्रीन मेन स्क्रीन को ग्राफिक स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता है एंड ग्राफिक मीन्स विजुल जो दिखाई देता है जहाँ पे सो इट इज़ द मेन विंडो वेयर यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स ये आपकी मेन स्क्रीन होती है मेन विंडो होती है जहाँ पर आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ट्राइंगल कॉल्ड टर्टल इसके अंदर एक छोटा ट्राइंगल होता है कंसिस्ट मीन्स हैविंग होता है सो so, आपका जो मेन स्क्रीन है इसके अंदर एक ट्र, छोटा ट्राइंगल होता है जिसको टर्टल बोलते हैं टी यू आर टी एल ई टर्टल एंड दिस इज़ योर ट्राइंगल जिसका नाम है टर्टल हियर टर्टल द टर्टल एक्ट्स एज अ कर्सर इन लोगो आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर होता है ब्लिंकिंग लाइन को हम कर्सर बोलते हैं ऐसे ही लोगो में आपका कर्सर है टर्टल इट हैज़ टू पार्ट्स अब इस टर्टल के जो ट्राइंगल है इसके भी दो पार्ट होते हैं हेड एंड टेल मतलब इसका जो ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं हेड और नीचे वाले पोर्शन को हम टेल बोलते हैं लुक एट दिस पिक्चर टू अंडरस्टैंड हेड एंड टेल ओके दिस इज द बिग साइज़ ऑफ द टर्टल दिस इज हेड एंड दिस वन इज़ टेल द पॉइंट एट द टॉप ऑफ़ द कर्सर इज़ कॉल्ड हेड जो आपका कर्सर यानी कि टर्टल का टॉप का सबसे ऊपर का पॉइंट होता है उसको हेड कहते हैं टेल्स यू एंड टेल्स यू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द टर्टल जो आपकी टर्टल की मूवमेंट को टर्टल की जो भी आप गति होती है टर्टल हिलता है ना टर्टल के हिलने की जो डायरेक्शन दिशा आपको बताता है द बेस पार्ट ऑफ द कर्सर इज़ कॉल्ड टेल जो आपके कर्सर का नीचे का पार्ट होता है बेस पार्ट होता है उसको टेल कहते हैं एंड ड्रॉज आ लाइन वट एवर द डटल ट्रेवल्स जहाँ जहाँ आपका ट्रेवल घूमता है जाता है वहाँ पे आपका नीचे का जो पार्ट होता है वो लाइन ड्रॉ करता रहता है ओके तो आपका जो हेड है ये जिस साइड भी जिस डायरेक्शन में होगा तो उससे आपको पता चलेगा कि अब कौन से साइड लाइन ड्रॉ करेगा और ये नीचे वाला जो आपका टेल पार्ट होता है ये लाइन ड्रॉ करता है सो इट वॉज योर मेन स्क्रीन आपकी जो नेक्स्ट पार्ट है एम एस डब्ल्यू लोगो स्क्रीन का वो ऊपर का हमने मेन स्क्रीन का हाफ पार्ट रीड कर लिया अब जो सेकंड पार्ट है कमांडर विंडो वो आपका मेन स्क्रीन से भी ज़्यादा लॉन्ग है एंड इम्पॉर्टेंट है सो so, उसको उसमें हम मेनली अपनी कमांड्स को राइट करते हैं ओके okay. सो so, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप सारे दोनों स्क्रीन को अगर एक साथ रीड करेंगे तो आपको समझने में परेशानी होगी वो अच्छे से आपको क्लियर नहीं होगा सो so, अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि एम एस डब्ल्यू लोगों के टू पार्ट्स होते हैं एक मेन स्क्रीन था जो हमने रीड किया उसका सिर्फ हेड एंड टेल जो आपका टर्टल होता है उतना पढ़ना है बस उसके बाद हमने एम एस डब्ल्यू लोगों के बारे में रीड किया कि ये एक लैंग्वेज है और कंप्यूटर में लैंग्वेज के ऊपर वर्क करने के लिए कैसे कमांड्स राइट की जाती है वो हमें इस चैप्टर से समझ में आएगा ये आपका एक लैंग्वेज ये सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज है क्योंकि हमें थर्ड में ईजीएसट पढ़ना है उसके बाद हमें फिर आगे की सी सी प्लस प्लस जो भी जो पज़ल लैंग्वेज होती है इससे ज़्यादा थोड़ी हार्ड होती है वो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेंगी सो so, हमने सबसे पहले इजी लैंग्वेज को पढ़ा और ये इंटरेस्टिंग भी होता है कि हम एक हाफ पेज पे कुछ कमांड्स राइट करते हैं और उसका उस कमांड का जो इफेक्ट होगा वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे अपने आप दिखाई देगा जो भी आप टर्टल को ऑर्डर दोगे कमांड राइट करके वो आपको दूसरी स्क्रीन पे अपने आप टोटल वर्क करता है सो लैंग्वेज इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सो नाउ इन दिस वीडियो ओनली रीड दिस मच चैप्टर और जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा कंटिन्यू करेंगे